नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पोकायोके क्या होता है, पोकायोके के क्या कंसेप्ट होते हैं, पोकायोके के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसी जर्नी को हम आगे चलते हुए आज हम लोग जानेंगे कि 6 प्रिंसिपल ऑफ पोकायोके क्या होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ में अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 6 प्रिंसिपल ऑफ पोकायोके। तो दोस्तों 6 प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, जब भी हम पोकायोके हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिनमें हम लोग जानते हैं कि आखिर पोकायोके करना क्या है। लेकिन पोकायोके के भी कुछ करने के कुछ सिद्धांत हैं कि हाँ, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है कि हाँ अब हमें पोकायोके करना ही करना है। तो दोस्तों तो पहला है हमारा, नंबर एक, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नंबर दो हमारा है दोस्तों रिप्लेसमेंट। तीसरा है दोस्तों में प्रिवेंशन। चौथा है दोस्तों फैसिलिटेशन। पांचवा है मेरे भाइयों डिटेक्शन। और छठा प्रिंसिपल जो है वह है हमारा मिटिगेशन। ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन, फैसिलिटेशन, डिटेक्शन और मिटिगेशन। तो दोस्तों एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन क्या, कि हम अपने प्रोसेस को या प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए जिसमें हमारा जहाँ पे चांस है मिस्टेक प्रूफ आने के, जहाँ पे हमारे चांस मिस्टेक आने के हैं, गलती आने के चांस ज़्यादा हैं जिस प्रोसेस में, तो हम उसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो एलिमिनेट हो जाए, मतलब वो बिल्कुल अलग हो जाए, उसको निकाल देना कि हाँ मुझे जब ना वो प्रोसेस रहेगा या ना फिर हमारा वो प्रोडक्ट रहेगा तो जिसमें हमें मिस्टेक आने की चांसेस हैं, जब वो ना रहेगा तो हमारे मिस्टेक भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों एलिमिनेशन। तो और दोस्तों दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब हमें चेंज कर देना कि जहाँ पर मुझे सपोज़ करो कि जहाँ पे मेरी DLT चल रही है या फिर मेरी WLT वाटर लीक टेस्ट है, डिफरेंशियल लीक टेस्ट है, या फिर कहीं पे मैं कोई ऑयल यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे, क्या मैं उस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं उसका कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने पाया अपने डिफेक्ट के द्वारा, अपने डाटा के द्वारा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ आएगी तो वो मेरा रिप्लेसमेंट है, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी जगह कोई और मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ या कोई ऐसा प्रोसेस कर सकता हूँ जिसमें मेरी मिस्टेक करने के चांसेस कम हो। दोस्तों तीसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम अपने प्रोसेस को या अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करें। दोस्तों मैंने यहाँ पर कहा था रीडिज़ाइन, यहाँ पर मैंने बोला रीडिजाइन। और दोस्तों प्रिवेंशन में मैं कह रहा हूं डिजाइन करें, ये कि इसमें मैं पहले से ही अपने प्रोसेस को इस प्रकार से डिजाइन करूं कि वहां पे मिस्टेक आगे हो ही ना। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं फैसिलिटेशन की। फैसिलिटेशन क्या, जहाँ पे मेरा बेसिकली ये फैसिलिटेशन बात करता है आपके विजुअल डिस्प्लेस की, कि जहाँ पे मेरा
मिस्टेक आ रही है, जिस प्रोसेस में मेरी ज़्यादा मिस्टेक आ रही है, तो वहाँ पे हम अलर्ट लगा दें, कुछ क्वालिटी रिलेटेड अलर्ट लगा दें, कुछ साफ लिख दें कि कृपया यहाँ ध्यान से काम देखें, ध्यान से काम करें, और कुछ भी वहाँ पे गेज के अंदर कुछ रेड कलर का कर दें। तो दोस्तों वहाँ पे होगा क्या, जब भी बंदा काम करेगा उस जगह पे, जब भी ऑपरेटर उस जगह पे काम करेगा, तो वो उस चीज़ पे देखेगा, हाँ मेरे गेज के ऊपर, सपोज़ करो मेरा यहाँ पे एक गेज था और मैंने यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया कुछ मैं, और मैंने लिख दिया बीवेयर, मतलब सावधान। तो बंदा जब भी उस चीज़ को चेक करेगा तो उसका ध्यान यहाँ आ जाएगा और वो कहेगा हाँ सावधान, कि यहाँ पे मेरे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बेसिकली विजुअल डिस्प्ले के ऊपर काम करता है। और डिटेक्शन, डिटेक्शन में दोस्तों हम उसको रोक तो नहीं सकते, डिटेक्शन में हम डिफेक्ट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम वहाँ पे उसके आने वाले चांसेस को कम कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम अपने फाइल पे, मतलब मेरे नेक्स्ट प्रोसेस पे मैंने कुछ सेंसर लगा दिया, मैंने कुछ टॉगल क्लैंप वगैरह लगा दी, या फिर मैंने कुछ माइक्रो स्विच वगैरह लगा दिया, ताकि मेरा प्रोसेस अगर बाय चांस प्रोसेस वन से पास होकर प्रोसेस टू पर चला गया और प्रोसेस टू पे मैं कुछ ऐसा लगा दूँ कि वो प्रोसेस वन से पास ही ना हो पाए। मैंने तो दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह के काम करेंगे, डिटेक्शन के ऊपर काम करेंगे, या कुछ गेज के अंदर हमने फिर कोई ऐसा डिज़ाइन बना दिया, ताकि जैसा कि मैंने बताया था मेरा ये गेज है अगर, और ये मेरी कोई पार्ट है, मेरी कोई ट्यूब है, अब मैं इसमें ही कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन बना दूँ ये, तो होगा क्या। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये इसके अंदर फिट होगा ही नहीं, अगर मान लो गलती से किसी बंदे ने यहाँ ये वाली चीज़ छोड़कर ये ऐसे करके एक और बन गया, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे फिट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आकर ये चीज़ हो जाएगी और ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो दोस्तों मिटिगेशन, मिटिगेशन आखिर होता क्या है, मिटिगेशन एक तरह से अगर बोला जाए तो शमन किसी भी चीज़ का। अगर मैंने कोई डिफेक्ट बना दिया, सपोज़ करो मेरी ओवन का टेम्परेचर है, या फिर जिसका मैंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है कि ये मेरा ओवन है जिसका टेम्परेचर 100 प्लस माइनस में 5 किया हुआ है, और क्यों किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई पार्ट रखने हैं, अगर मैं 105 से ऊपर जाता है मेरा टेम्परेचर, तो उसमें दोस्तों होगा क्या, वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस ओवन के ऊपर या इसमें कहीं पे भी एक फ्यूज़ लगा दिया, एक फ्यूज़ इंस्टॉल कर दिया, तो उस फ्यूज़ जैसे ही टेम्परेचर 104 पे आएगा या 103 पे आएगा, 103 104, तो वो अलार्म जनरेट कर देगा कि हाँ आपका टेम्परेचर अब ये बढ़ रहा है, 103 हो गया, अब इसके बाद 104 हो रहा है, और जैसे 105 होगा तो वो फ्यूज़ अपना इंटरलिंक छोड़ देगा और ओवन कट हो जाएगा, और ओवन कट होने से दोस्तों होगा क्या कि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा तो मेरे जो अंदर मटेरियल मैंने रखा था उसकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसकी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो मेरा सीधी सी बात है कि मेरा कोई डिफेक्ट भी जनरेट नहीं होगा, और डिफेक्ट जनरेट नहीं होगा तो आगे कस्टमर के पास भी डिफेक्ट जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आप लोगों को सिर्फ 6 प्रिंसिपल ऑफ पोकायो के समझाने का ही था कि जिसमें हमें क्या क्या करना था। तो ठीक है साथियों, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, नंबर एक होता है हमारा एलिमिनेशन, हम लोग मोस्टली एलिमिनेशन के ऊपर काम करें। दूसरा होता है दोस्तों रिप्लेसमेंट, मतलब बदलने के ऊपर काम करें। तीसरा, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, हम उसके डिज़ाइन के ऊपर काम करें। दोस्तों उसके प्रिवेंशन करने के बाद भी मैं बात करूँगा फैसिलिटेशन की, जिसमें विजुअल डिस्प्लेज के ऊपर काम किया जाएगा। अगर इसके बाद भी मैं बात करूँगा फिर डिटेक्शन की। दोस्तों जब डिटेक्शन के ऊपर भी नहीं होगा
तो मैं मिटिगेशन के ऊपर काम करूँगा। तो दोस्तों मैं अंत में यही था सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ पोकोयो के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, एक बार अपने दोस्तों से बोलकर अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दें। जय हिंद, जय भारत।